उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 10th और 12th का जो रिजल्ट घोषित किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां निकल कर के आ रही हैं, जिसको लेकर के अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि जो छात्र अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई में मेधावी थे, उनको उनके अनुरूप अंक नहीं दिए गए हैं। वो जो छात्र अपने स्तर से सही थे उनको जो है मध्यम वर्ग में रखते हुए कुछ अंक दिए गए हैं, कुछ के साथ जो है बिल्कुल धोखा किया गया है। मैं उन लोगों के लिए ये नहीं कहना चाहूँगा कि किसी को जो है मुफ्त में अंक बांट दिए गए हैं या नहीं है, तो देखेगा, क्योंकि उनकी भी मेहनत थी, पिछले 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे, तो अंक सभी को मिलने चाहिए थे। मेरा जो उद्देश्य है वो केवल उन छात्रों के लिए है जिन्हें सही तरीके से अंक प्रदान नहीं किए गए हैं, और जिन्हें अच्छे अंक मिले हैं उनके लिए बधाई है, और जो लोग परेशान हैं उनकी समस्या का निदान इस वीडियो के माध्यम से हम करने का प्रयास करेंगे। जिन छात्रों को प्रमोट किया गया है वो कैसे अपने अंक बढ़ा सकते हैं, क्या उनको दोबारा से एग्जाम्स देना पड़ेगा या उनके जो है पेपर होंगे तब जा कर के अंक बढ़ेंगे, या फिर आप जो हैं कम अंक वाले किस तरीके से अपना जो है आयोग के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसको लेकर के आयोग जो है संज्ञान लेगा और उसमें आपके जो है अंकों में परिवर्तन देखने को आपको मिल सकता है। मुख्य रूप से मैं बता दूं कि आपका जो इलाहाबाद बोर्ड होता है, जो प्रयागराज बोर्ड है, उसने 5 क्षेत्रीय कार्यालय में जो है पूरे स्टेट को अर्थात उत्तर प्रदेश को बांटा है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत कुछ ज़िले जो है पड़ते हैं, उन ज़िलों का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो अलग अलग तरीके से लगता है। प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर। अब आपको जो शिकायत करनी है वो अपने क्षेत्रीय कार्यालय पर ही करनी है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स की असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि उनका क्षेत्रीय कार्यालय है आखिरकार कौन सा, तो देखिएगा, आप अपने कॉलेज के किसी भी टीचर से जाकर के पूछ सकते हैं, वो बड़ी आसानी से बता देगा। हालांकि पता तो आपको भी होगा कि आपके आसपास इनमें से जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, चाहे वो गोरखपुर हो, बरेली हो, मेरठ हो, वाराणसी हो या प्रयागराज हो, वही आपका निश्चित ही क्षेत्रीय कार्यालय होगा। लेकिन फिर भी आपकी असमंजस की स्थिति है तो आप अपने टीचर से जाकर के पूछ सकते हैं, या यहाँ पर आप जो है फ़ोन नंबर मैंने इनके दिए हुए हैं जो लैंडलाइन के नंबर हैं, प्रयागराज का अलग है, मेरठ का ये है, और वाराणसी का अलग है, और बरेली का अलग है, और गोरखपुर का अलग है, तो यहाँ पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर करके जानकारी ले सकते हैं। अब मैं बता दूँ कि आपको करना क्या है, तो देखिएगा, जो प्रमोट हुए हैं, जिसके अंक नहीं दिए गए हैं वो भी, और जिनके अंक कम हैं, जो अर्थात अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, वे अभ्यर्थी भी, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि बोर्ड ने कहा है एग्जाम देने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स देने का प्रावधान नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पहली बार ऐसी प्रणाली यहाँ पर विकसित की गई है जिस तरीके से इस तरीके से प्रमोट किया गया है। तो एग्जाम्स देने की प्रक्रिया आपकी नहीं होगी, ये आप माइंड से निकाल दीजिएगा कि आप जो हैं कुछ फॉर्म वगैरह भरवाए जाएंगे और आपका दोबारा से एग्जाम्स होगा, तो ऐसा निश्चित बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अंक बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, या प्रमोट में जिन लोगों के रिजल्ट में इस तरीके से अंकों के स्थान पर लिखा हुआ आया है XXX, तो यहाँ अंक घोषित आपके नहीं किए गए हैं, ना ही थ्योरी के, ना प्रैक्टिकल के, ना मुख्य अंक आपके दर्शाए गए हैं, तो उनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि उनकी डिवीजन क्या है और आखिरकार उनके अंक क्या हैं, तो ध्यान से आप समझिएगा, वो जो है अगली कक्षा के लिए यहाँ पर केवल भेजे गए हैं, अगली कक्षा में प्रवेश के लिए भेजे गए हैं, अर्थात वो जो अभ्यर्थी हैं उनको केवल जो है केवल पास ही किया गया है, अर्थात उनके अंक जो हैं वो 50% से आसपास ही हैं और उनके अंक ज़्यादा नहीं हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी सब्जेक्ट में आपको, जैसे आपने पहले परीक्षाएं दी होंगी या किसी अपने जो बड़े भाई या बहन के बारे में आपने सुना होगा कि ग्रेस मिल गया है और ग्रेस मिल करके पास हो गया है, तो वही प्रणाली के अंतर्गत जो अभ्यर्थी आए थे उनको जो है यहाँ पर प्रमोट किया गया है। प्रमोट का अर्थ ये है कि आप जो है यहाँ पर ग्रेस के माध्यम से अगली कक्षा में प्रोन्नत किए गए हैं। अब मोस्टली जो अभ्यर्थियों के माइंड में रहता है कि वो जो है आर्मी या इस तरीके की भर्ती जो सेना में होती है उसमें अप्लाई करेंगे, तो देखिएगा उसमें ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, प्रमोट वाले या ग्रेस वाले,
तो वहाँ से आपके कैरियर के लिए यहाँ पर समाप्ति का एक संकेत होता है कि आप जो है ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाओगे आगे के लिए। तो आपको तो संशोधन की ज़रूरत है ही। साथ ही साथ कम अंक वाले, काफ़ी स्टूडेंट्स के मत थे कि मेरे जो है टेंथ में 85% आए हैं और अब जो है मुझे 62% दिए गए हैं, 61 दिए गए हैं। तो अपने कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपके कितने अंक प्रदान किए गए हैं और कहाँ तक आप जो है संतुष्ट हैं या नहीं हैं। अब समझ लीजिएगा प्रणाली को कि आपके अंक कैसे बढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको जो है इन क्षेत्रीय कार्यालयों पर जाकर के, क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा जाकर के आपको जो है मिलेगा एक प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में जो है आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर जिसको बोला जाता है वो लिखना है, और तीसरी जो अपनी बात लिखनी है कि हमें जो किया गया है अपनी जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की जो आपकी प्रणाली है वो लिखनी है, उत्तीर्ण किया गया है या अनुत्तीर्ण किया गया है, या अपनी जो समस्या है वो लिखनी है। तो ये तीन चीज़ें आपको लिखनी है। चौथी चीज़ जो आपको यहाँ पर लगानी है, अपना जो है आधार कार्ड लगाना है, उसका नंबर भी यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको जो है ये डिटेल्स आपको रखनी है। अब इसके बाद जो मेन बात आती है वो है आपकी समस्या पर। ये सब चीज़ें आपको ऊपर लिख देनी है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन शुरू होगी और उसमें आपकी आ जाती है समस्या। समस्या में आपको क्या लिखना है, देखिएगा। समस्या जैसे कि मैंने आपको बताया, कम अंकों की समस्या आपकी है, या प्रमोट की समस्या है, या आपके रिजल्ट में जो है एब्सेंट दिखाया गया है, या आपका रिजल्ट ही नहीं शो कर रहा है, आप रोल नंबर डालकर देख रहे हैं, तो वो समस्या आपको लिखनी है। समस्या को विस्तार से इस तरीके से लिखना है कि मेरे टेंथ में इतने मार्क्स थे, अलेवेंथ में इतने मार्क्स थे, और प्री बोर्ड अर्थात ट्वेल्थ के जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उसमें इतने मार्क्स थे, और इतने अंक होने के कारण भी मुझे जो है प्रमोट किया गया है, या मेरे अंक जो है इतने ही रखे गए हैं, केवल 60% ही रखे गए हैं, केवल 70% ही रखे गए हैं, और मैं जो हकदार हूँ कम से कम 90% का हूँ या 85% का हूँ, या मुझे जो है आप जो है मेरे रिजल्ट में संशोधन कीजिएगा। तो इसी आशा के साथ मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट कर रहा हूँ। नीचे अपनी डिटेल्स लिख देनी है कि आपका जो है भवदीय, उसमें अपना नाम लिख देना है, और नीचे डेट डाल देनी है, और अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो ये बोर्ड ऑफिस में आपको जमा करनी है। बोर्ड ऑफिस जैसा कि क्षेत्रीय कार्यालय मैंने बता दिए हैं, 5 हैं आपके, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर। तो इस तरीके से आपके रिजल्ट में बोर्ड ने कहा है कि संशोधन आपका होगा, जो छात्र संतुष्ट नहीं है तो उनके लिए समस्या का समाधान किया जाएगा। क्योंकि एक या दो छात्र ऐसा नहीं है, कम से कम यहाँ पर देखिएगा 80,000 छात्र ऐसे हैं जो ट्वेल्थ के हैं, और 70,000 से अधिक छात्र जो हैं टेंथ के हैं, जिनके जो है प्रमोट किया गया है वो तो बिल्कुल यहाँ पर संतुष्ट नहीं है। एब्सेंट वाले छात्र भी काफ़ी हैं, वो भी 30,000 से 40,000 हैं दोनों में मिला करके। तो यहाँ से लगभग 2,00,000 से अधिक स्टूडेंट्स तो ये ही हो जाते हैं। ऊपर से 5,00,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो संतुष्ट नहीं है बिल्कुल अपने अंकों से। तो कुल मिलाकर के 7-8 लाख स्टूडेंट्स के साथ जो है घपलेबाजी हुई है, जो इस तरीके की जो समस्या का शिकार हुए हैं। तो अपने क्षेत्रीय कार्यालय पर जाकर के आप जो है एप्लीकेशन का सबमिशन कीजिएगा, और यहाँ से जानकारी आप थोड़ा एकत्रित कर लें, क्योंकि अभी ये जो प्रक्रिया है ये पूरे आपकी 15 अगस्त तक कम से कम चलेगी। तो ध्यान से अपना जो है सब कुछ प्रार्थना पत्र जो है प्रस्तुत कीजिएगा, उसकी एक फोटोकॉपी जो भी आप उसमें डालोगे या प्रस्तुत करोगे, बोर्ड के पास जमा करोगे, उसकी एक फोटोकॉपी करवा लेना, वो अपने पास रख लेना, और उसके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना कि आपने ये दावा किया था और आपका कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में बताइएगा। अगले वीडियो में आपको और अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।